हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है और फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, वो हम आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में। आपको फ्लो के बारे में पता है, फ्लूइड्स क्या होता है वो देखते हैं। फ्लूइड्स में थ्री फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसमें क्या होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के लिए, मतलब फ्लूइड्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस है कि फ्लूइड्स ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लो कर सके और उसके साथ वो जिधर भी हो उसका शेप ले ले। ठीक है, सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड फ्लो करेगा लेकिन लेयर्स बना के फ्लो नहीं करेगा। एक वे होता है कि लेयर्स बना के फ्लो करना है। ठीक है, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड थोड़ा दूर तक जाएगा लेकिन वो फ्लो नहीं करता और क्या होता है कि वो शेप चेंज नहीं होता। ठीक है, सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं होगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आपको पता है लिक्विड क्या करता है, वो फ्लो भी करता है और शेप भी चेंज होता है। अगर आप पानी पी रहे हो और आपका पानी का ग्लास नीचे गिर जाए तो फ्लो होगा। ठीक है, पानी आपका फ्लो होगा और वो उधर का शेप ले लेगा। ठीक है, नीचे का तो वो क्या होता है फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए लिक्विड फ्लूइड है। तो लिक्विड फ्लूइड है। गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है वो फ्लो होता है। गैस फ्लो होता है कहाँ पे, इन एयर में। हम देखते हैं एयर में गैस फ्लो होता है और क्या करता है वो शेप भी लेता है। लाइक बलून, बलून में आप गैस को भरते हो तो वो बलून का शेप ले लेता है। एरोसोल में गैस भरने के बाद वो उसका कंटेनर का शेप ले लेता है। इसलिए गैस भी हमारा फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड कौन कौन से हमारे पास, लिक्विड और गैस, वो दोनों फ्लूइड्स में आएंगे, सॉलिड फ्लूइड्स में नहीं आता। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हमको जब हम मटेरियल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तब भी देखने को मिलता है। कैसे, जब लिक्विड हैंडलिंग में हमको सस्पेंशन से, सॉल्यूशन से, ऐसे सब देखने को मिलते हैं और वो इजीली हैंडल कर सकती है। और सॉलिड्स में हम कोई फाइन पार्टिकल को सस्पेंशन बना के उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसपे ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है वो क्या करता है, उसका जो लिक्विड होता है, मतलब कि जो भी होता है फ्लूइड जो भी है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या करता है, जो भी फ्लूइड उसका होता है वो मोशन रहेगा। ठीक है, मतलब कि रेस्ट नहीं होगा, वो मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। पहले तो फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करते हैं तो हम मैंने बताया ऐसे वो रेस्ट पोजीशन में होगा और उसका जो प्रेशर होगा वो एवरी लेयर पर डिफरेंट होगा। एवरी लेयर जो बनेगा फ्लूइड्स में वो एवरी लेयर पर डिफरेंट रहता है। ठीक है, ये होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। इधर हमको दो डायग्राम दिए, आप देख सकते हो, जिसमें हमको बताया कि प्रेशर डिफरेंट देखने को मिलता है बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड लेयर्स के बीच में हमको डिफरेंट प्रेशर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ए वाला डायग्राम है उसमें सिंपल सा कॉलम दिया है जिसमें लिक्विड फिल है। ठीक है, और उसमें दो होल है जहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह से जहाँ लिक्विड बाहर निकल रहा है दोनों जगह पे वह डिफरेंट प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उसका डिफरेंट प्रेशर से लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम है जिसमें लिक्विड भरा है वो बाहर आने के लिए डिफरेंट प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ऐसे होगा और इसमें एक प्रेशर ज़्यादा होगा और एक प्रेशर कम होता होगा, ऐसे होता है। ठीक है, दूसरे वाले डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, दूसरे वाले डायग्राम में ये दिखा है कि ऐसे एक स्टेशनरी कॉलम दिया है जिसमें
ए जो पास्कल हमारा दिया है, जो ए होता है वो क्या करेगा, उसको प्रेशर को कंस्टेंट रखेगा, ठीक है, कंस्टेंट प्रेशर रखेगा पूरा जगह पे। और यहाँ पे हमको क्या दिया है, सरफेस का प्रेशर दिया है, यहाँ पे पीएस सरफेस प्रेशर होगा पास्कल, प्रेशर को किस में नापेंगे, पास्कल में, ठीक है। तो सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो होगा, यहाँ पे हाइट दिया है H1 H2 ऐसे डेल्टा H, ठीक है, ये हाइट होता है। यहाँ पे पॉइंट वन पे और पॉइंट टू जो दिया है वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर्स रहेंगे, ठीक है, ये होता है। तो देखते हैं क्या है, क्या होता है कि न्यूटन्स अबव द पॉइंट जब हम देखते हैं तो क्या होता है, देखिए द फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग बिलो एंड अबव द पॉइंट वन, अबव पॉइंट वन और पॉइंट टू के नीचे जब एक्टिंग करेगा वो तब क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट अ पॉइंट वन, फोर्स हम लगाएंगे जब एक पॉइंट वन पे तब क्या होता है, फोर्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो फोर्स है वो, और जो एग्जर्टेड बाय द लिक्विड अबव द पॉइंट वन और अबव द लिक्विड जो ऊपर है, लिक्विड के ऊपर जो पॉइंट वन के ऊपर है एक वो होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब को जो प्रेशर हमारा पॉइंट वन पे है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस के साथ, मतलब कि उसका जो एरिया है उसके साथ हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। प्रेशर पॉइंट वन इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर पॉइंट वन इंटू सरफेस एरिया, मतलब प्रेशर ऑन द सरफेस इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पी वन एस, पॉइंट वन है पी वन एस होगा, पी एस इंटू एस, ठीक है, पी एस प्रेशर ऑन सरफेस वो पी एस पास्कल पी एस इंटू प्लस वॉल्यूम, मतलब कि क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको मास दिया है, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या होता है पी एस इंटू एस वही रहेगा, हाइट इंटू एरिया, ठीक है, वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, हाइट इंटू एरिया इंटू डेंसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ टू ग्रेविटी वो वही रहेगा। उसके बाद ये आपको मिलेगा कि पी वन एस इज इक्वल टू पी एस एस, मतलब कि वो सेम ही है, एच वन हाइट के लिए एच वन, एरिया एस, उसके बाद डेंसिटी आर, आर मतलब हम ऐसे रो में लिखेंगे, ठीक है, डेंसिटी रो इंटू जी, ठीक है, ये होता है पूरा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन मिला हमको। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो कि जब क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया सेम है होता है, इक्वेशन थ्री में भी ऐसे लिख सकते हैं कि पी वन इज इक्वल टू पी एस इंटू एच वन आर जी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया सबका सेम रहेगा इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही जब पॉइंट टू पे जब वो करेगा तब हम कैसे लिख सकते हैं, पी टू इज इक्वल टू पी एस, पी एस प्लस एच टू आर जी लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो क्या करते हैं कि डिफरेंस इन द प्रेशर में बी ऑब्टेन बाई सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन फाइव, हमको प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्वेशन पी वन है वो, और उसको क्या करेंगे, मतलब कि इक्वेशन फाइव में से इक्वेशन फोर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देन पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 करेंगे तो क्या हमको डेल्टा P मिलेगा, ठीक है, क्या होगा वही लिखना है जो हमको दिया है, G इंटू पी एस प्लस H2R माइनस पी एस प्लस H1R इंटू G, G को हमने कॉमन निकाला, पी एस मतलब कि सरफेस प्रेशर है प्लस H2R माइनस, वो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस पी एस और प्लस का माइनस होगा H1R इंटू जी, और H2R को भी कॉमन निकाल लेंगे, पी एस माइनस और एक प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा डेल्टा P इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इंटू आर जी,
और डेल्टा पी हमको क्या मिलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच आर जी। तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच आर जी, ठीक है, डेल्टा एच आर जी, टू माइनस एच वन मतलब डेल्टा एच इंटू आर जी, ठीक है, ये होगा। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मैनोमीटर से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैनोमीटर्स वो देखेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम इंस्टाग्राम चैनल भी RX जिक्स फार्मेसी 21 से अवेलेबल है, आपको अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।